तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रयान 3 का लैंडर चांद से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। और इस बीच चंद्रयान 3 की ओर से एक और खुशखबरी हासिल हुई है। चांद पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। बड़ी खबर इससे की इस समय की, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। दोनों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित किया गया है। ये जानकारी इसरो ने ट्वीट कर साझा की है। हम आपको बता दें कि साल 2019 में भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। यह आखिरी मोड़ तक सही गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में गड़बड़ी की वजह से यह क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से चांद के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा है और अपना काम कर रहा है। अब 4 साल के बाद जब विक्रम लैंडर फिर से चांद के पास पहुंचा है, तब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक्टिव हुआ है और स्वागत किया है विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से जी न्यूज ने खास बातचीत करी है इस चंद्रयान 3 के मिशन मून को लेकर, इसकी सफल लैंडिंग को लेकर। आप भी सुनिए। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में अब वो संपर्क भी तय हो चुका है जो पिछले बार चंद्रयान 2 जो उस वक्त वहां पर वो पहुंचा था उसके बीच में एक नया, अभी इसरो ने ट्वीट किया है कि सर वो संपर्क भी तय हो चुका है और उसके बाद अब चंद समय बचा है, 25 किलोमीटर के आसपास लगातार हम घूम रहे हैं। सर अभी वो वैज्ञानिकों की मेहनत देखें, वो पड़ाव दर पड़ाव हम पार करते जा रहे हैं, अब कुछ ही समय बचा है। नहीं देखिए, हम सक्सेस विश करते हैं चंद्रयान, ये बहुत हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट और हमारे देश के लिए बहुत ही एक प्राउड प्रोजेक्ट भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि इतने दिन के बाद इतने कंट्रोल्ड उनका ऑपरेशन चल रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हम एक दो दिन और वेट करें और हम बेस्ट विशेस देते हैं साइंटिस्ट को और चंद्रयान 3 को। सर रशिया का लूना भी वहां पर पहुंचा था, लेकिन साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो एक वो भी दुख की बात है अगर साइंटिस्ट देखते हैं उसको, लेकिन लगातार वो भारतीय वैज्ञानिकों का अगर हम नाम ले, जिस तरह का चंद्रयान 2 पे कुछ महज कुछ मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 इस बार एक बार वापस आना, उन चुनौतियों से लड़के वापस। देखिए मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, हम वेट करेंगे, लेकिन मैं और हर भारतवासी एक तरह से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इसका सक्सेसफुल मिशन सक्सेसफुल हो और हम वेट करेंगे कि क्या होता है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अभी तक नहीं पहुंच सका है। इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियों और कामयाबियों की सौगात दे रहा है। आज चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची हैं जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। वहीं शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक दूसरे चरण की डीबूस्टिंग की गई, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रयान अपनी सही राह पर है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए जो चंद्रयान 3 ने भेजी है। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंडिंग, चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देख सकेंगे। 23 अगस्त को शाम 5:27 से लाइव देख सकेंगे।